तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स को याद रखने की बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो कितने एलिमेंट से मिलकर बनी होती है देखते हैं एक बार फटाफट। देखिए ह्यूमन बॉडी जो है बेटा, हमारी मानव शरीर जो है वो टोटल मिलकर बना है कितने एलिमेंट से, 36 एलिमेंट से। 36 एलिमेंट पाए जाते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में, और इन 36 में से भी अगर हम बात करें तो चार एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी का 95% भाग बनाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी का 95% जो पार्ट होता है वो कितने एलिमेंट्स के कारण होता है, चार के कारण। अब आप कहेंगे सर वो चार कौन से होते हैं, चार कौन से होते हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं, कौन से ही याद रखना है। कौन से बेटा, कौन को अगर लिखोगे तो इसमें इंग्लिश में क्या लिखोगे, CHON, क्या लिखोगे, CHON। तो C फॉर क्या होता है, कार्बन, H फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन, O फॉर क्या होता है, ऑक्सीजन, N फॉर क्या होता है, नाइट्रोजन। तो देख लेते हैं सर इसकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है। तो हमने आपसे कहा कि हमारी बॉडी में जो चार एलिमेंट होते हैं 95% वेट बनाने वाले, वो कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन से ही याद रखना है इसको, ठीक है ना, CHON से कौन से ही याद रखना है। कार्बन की परसेंटेज होती है बेटा हमारी बॉडी में 17 से 20%, वहीं पर हाइड्रोजन की परसेंट होती है बेटा 10%, ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में 62 से 65%, और नाइट्रोजन हमारी होती है बॉडी में 3%। प्रश्न आता है कि बताइए ह्यूमन बॉडी में सबसे मुख्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तुरंत आंख बंद करके आंसर लगाएंगे, ऑक्सीजन जो है कितना, 62 से 65%। धन्यवाद।